मोदी पर देश का मूड खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस कार्यक्रम में आज हमारी मौजूदगी है कोटपुतली में। जैसे जैसे मौसम का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासत का पारा भी बढ़ रहा है। कोटपुतली में चुनाव आगामी 19 तारीख को ही होने, मतलब 19 अप्रैल को पहले चरण में। ऐसे में यहाँ के जनता के क्या वो मुद्दे हैं जो सॉल्व हो पाए हैं, क्या वो मुद्दे हैं जब वो वोट डाले जाएंगे तो उनके जहन में रहेंगे, आज जानेंगे यही की जनता से। क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो गहलोत मार्केट में है कोटपुतली के, यहाँ पर कई सारे लोगों की मौजूदगी है। बात करेंगे हम उन सबसे, जानेंगे लिए कि उनके लिए क्या वो मुद्दे हैं जो सबसे रहेंगे महत्वपूर्ण। आइए जाने की कोशिश करते हैं। भैया वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। किसको वोट देंगे आप? देंगे बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, लेकिन क्यों देंगे? देंगे, बढ़िया काम हो रहा है, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है, अच्छा देखिए इनको फायदा ही फायदा है। अम्मा वोट दोगी? हाँ देंगे। देंगी, किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देंगे? मोदी जी को हर तरीके में सुरक्षित है। अच्छा क्या काम ऐसा किया आपको, क्या फायदा? 6,000 तो फसल का दिवा आता है, मिलता है एमएसपी वाली? मिलता है। अच्छा मिलता है, तो उससे आप खुश हैं? खुश हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको जो सरकार की योजना है एमएसपी वाली उसका फायदा मिला है, 6,000 रुपए साल के इनको मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ताऊ देंगे वोट? वोट देंगे, वोट के ग्राम किसको देंगे है? वोट किसको देंगे? मेरे मन की बात बताऊं? पीछे मन की बात बताओ। वो तो अंदर गया, बाद में बताऊं मैं। अच्छा मन की बात ताऊ जी नहीं बताएंगे, मन की बात ताऊ जी नहीं बताएंगे। अच्छा आप वोट देंगे? देंगे ना वोट देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, क्यों देंगे कांग्रेस को? क्या काम ऐसा नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। 6,000 रुपए उन्हें मिलते हैं? नहीं, बेरोजगारी तो ज्यादा बढ़ गई ना, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए जो लोग हैं वो बटे हुए, लोगों का कहना है कि जो काम करेगा उसे वोट देंगे। कई लोगों ने काम किया लेकिन कई ऐसे काम है जो होने बाकी हैं। वोट देंगे आप? हाँ जी। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, और क्या बढ़िया होना है? बढ़िया ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो। किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे, क्यों देंगे कांग्रेस को? गहलोत ने बढ़िया काम किया है हमारे लिए। गहलोत ने बढ़िया काम, 25 लाख रुपए का इलाज किया था वो बंद हो गया। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर पानी एक बड़ी समस्या है जिसका कि सॉल्यूशन होना चाहिए। जब भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर वोट लेने के लिए आता है तो वो ये वादा जरूर करता है यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो खत्म होगी, लेकिन वो समस्या कितनी खत्म हो पाती है वो तो यहाँ की जनता ही बताएगी। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और भी, क्योंकि देखिए ये पूरा एक मार्केट है जिसे गहलोत मार्केट कहा जाता है। वोट देंगे आंटी? हाँ वोट देंगी। वोट वोट तो देंगे भाई। किसको देंगे? मोदी को। और किसको? मोदी को देंगे। क्यों मोदी को अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। क्या ऐसा मोदी ने काम किया है? सब कुछ कर रखा मोदी ने, सब कुछ कर रहा है मोदी। सबसे बड़ा काम क्या लगता है मोदी ने? काम क्या है और तो लिए तो करा ही है। चलिए ठीक है, कई ऐसे काम है जो किया। आंटी आप वोट देंगी? कहीं नहीं है। किसको देंगे है? किसको वोट देंगी? हम तो आतंक देंगे। अच्छा चलिए वोट देंगी, लेकिन अभी मन तैयार नहीं है कि किसको देंगी, वो भी तैयारी जो है चल रही है। तो देखिए ये जो पूरा इलाका है, आप यहाँ पे जैसे हमारी बात भी हो रही थी और मैं आपको ये भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आए थे, जो एक तरह से प्रचार प्रसार की शुरुआत है वो यहीं से हुई थी कोटपुतली से, और यहाँ के लोगों का मन टटोलने की कोशिश थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, हालांकि उन बातों को जनता ने कितना समझा है क्योंकि जो काम किया गया है बात उसके बारे में भी पीएम मोदी ने की। तो ऐसे में जब यहाँ की जनता 19 तारीख को जाएगी मत देने के लिए तो क्या कुछ उस मतदान के बाद रिजल्ट आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है और आखिरकार जब वो वोट देंगे तो किसे देंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो समझेंगे इनसे कि आखिरकार जब यहाँ के लोग वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में क्या वो मुद्दे होंगे जिस पर वो वोट डालेंगे, क्या वो समस्या होगी जो अभी तक जिसका सॉल्यूशन हुआ नहीं है। और सबसे पहले बात यही कि क्या वो मुद्दे होंगे जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके जहन में होंगे? 370 राम मंदिर। पुतली की जनता को फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो वोट किसे देंगे आप? बीजेपी को देंगे। आप किसको वोट देंगे? निश्चित रूप भाजपा को। क्यों देंगे भाजपा? उभरता हुआ भारत, यहाँ पे जल से नल की योजना घरों घरों तक, पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या के लिए ही, निराकरण के लिए ही अलग से जल संसाधन मंत्रालय बना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अच्छा सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के ही एक जो सांसद हैं वो इसके मंत्रालय संभाल रहे हैं। 100% बीजेपी। चलिए ठीक है, फिर से वापसी होगी, किसे देंगे वोट? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। क्यों देंगे वोट? क्योंकि मोदी जी की जो थीम है विकसित भारत समृद्ध भारत। आपको क्या लगता है किसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? बीजेपी को ही देंगे हम। क्यों देंगे बीजेपी को? क्या लगता है कोटपुतली के लिए क्या ऐसे काम है जो करने हैं, क्या ऐसे काम है जो होंगे? कोटपुतली में जो बीजेपी है, बीजेपी आने के बाद में ही जो कानून व्यवस्था है ना,
वो सुधरी है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कानून व्यवस्था सुधरी है जब बीजेपी आई है, इसीलिए बीजेपी को चुनेंगे। आप किसे चुनेंगे? मैं निश्चित रूप से भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी? क्या आपको नरेंद्र मोदी का कोई बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आज के राज्य? ये बड़ी बात है, ये आप सही कह रहे हैं कि ऑप्शन कोई नहीं दिखता, इसलिए शायद लोगों का झुकाव और। आज उनके पास में बेस्ट टीम है जो कि अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर से हाईवे पे चलते हुए इस देश को ले जाएंगे कहीं? मोदी के पास टीम अच्छी है, इनका कुल मिला के ये कहना है, और कोई ऑप्शन बेहतर नजर नहीं आता। वोट देंगे ना? जरूर सर। किसे देंगे? मोदी जी, राव राजेंद्र जी, कोटपुतली से। क्या ऐसी समस्याएं थी कोटपुतली की जो अब खत्म हो गई? जैसे कि पहले कोटपुतली के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती ट्रैफिक जाम की, अब नहीं है। जो कि राज्यवर्धन जी, हमारे जो माननीय सांसद साहब थे, उन्होंने बाईपास पास करवाया था चोटिया से लेके और पणियाला मोड़ तक। वो जाम की, ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं थी उनका निवारण हुआ है उस वजह से। अच्छा, ट्रैफिक जाम की समस्या का निवारण हुआ है। और भी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ऑप्शन नजर नहीं आता है ऑप्शन के तौर पर। और मोदी की टीम की बात करें, और स्पेसिफिकली अगर आप कोटपुतली की बात करें, तो पानी की समस्या से लेकर ट्रैफिक जाम की समस्या तक सबसे निजात मिला है, और इसीलिए बीजेपी को चुनने की बात यहाँ के लोग फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं।